जब बाकला 130 दिन में पक के तैयार हो जाता है, तो आप देखें कि जितने और सभी ज़्यादातर क्रॉप जो है, फसल जो है, वो पीले भूरे पीले पड़ के जो है वो कटने लायक हो जाते हैं, लेकिन बाकला एक ऐसी फसल है जो कि नीचे से काला होते जाता है। वो जब फसल पक के तैयार होता है तो नीचे से काला होते जाता है। जब ये 75% 75% जब इसके भाग काले पड़ जाए, इसका मतलब ये है कि हमारा हार्वेस्टिंग करने लायक हो गया है। बाकला चूंकि रबी की फसल है, इसलिए इसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बुआई के बाद एक सिंचाई और तैयार होते वक्त एक सिंचाई देना चाहिए। बाकला जो मध्यम भूमि है, दो 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 तीन है, जो कि धान कटने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, तो उस पर जो है उस पर उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, उसमें आप लगा दें जर्मिनेशन हो जाएगा, और उसके बाद यदि एक सिंचाई देते हैं तो उसकी जो है वो बाकला की भरपूर उत्पादकता हो जाएगी, और यदि बीच में यदि एकाध पानी पड़ गया तो उत्पादकता और बढ़ जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये रबी क्रॉप है, गेहूँ ऐसे पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, दलहनी क्रॉप है, एक दो या मतलब कि पानी में हो जाता है। लेकिन जो ये धान कटने के बाद जो बचा हुआ जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसी पर इसकी बुआई कर देते हैं, तो हमारा एक सिंचाई ऐसे भी बच जाता है। हालांकि बाकला में ज्यादा रोग और कीट का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन अगर कीट का प्रयोग हो तो नीम निर्मित कीटनाशकों अथवा फेरोमेन ट्रैप का इस्तेमाल लाभदायक है। हर क्रॉप में बहुत सारी ऐसी किस्में हैं, बहुत सारे रोग व्याधि कीड़ा और रेसिस्टेंट वैरायटी है, तो पहले वैज्ञानिक विधि से कहीं से सलाह लेके जब आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो आप उसमें जो है उसको, जैसे एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि धान में ब्लास्ट एक बहुत ही बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ब्लास्ट, लेकिन IR64 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें ब्लास्ट नहीं लगता है, न के बराबर लगता है। अब एक आध जगह आ रहा है लेकिन न के बराबर लगता है, तो इस तरह का जो है, अब जब ब्लास्ट नहीं लगेगा तो हमको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह की जो है आप वैरायटी का चयन करें। दूसरा चीज़ है जो हम जो मान लीजिए लग भी गया, तो जैसे नीम बेस्ड जितने भी मतलब कि ये हैं उसका उपयोग करें। फिर जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्रैप क्रॉप लगाएं, जैसे लगाते हैं ट्रैप क्रॉप लगाएं, उससे जो है जो हमारे कीड़े वगैरह वहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो इस तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया है जैविक कृषि में, और हमारे यहाँ तो झारखंड में तो नेचुरल है नीम और ये करंज, तो नीम और करंज बेस्ड ऑयल का भी बहुत सारा एक्सट्रैक्शन है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकला की खेती कर किसान भाई इसे सब्जी या दाल के रूप में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन का यह अच्छा स्रोत होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।